वीज़ा से रिलेटेड जब मुझे एम्प्लॉयर ने इन्फॉर्म किया, न्यूजीलैंड के एम्प्लॉयर ने, कि वो एक्रेडिटेड हैं, वो आपको तो इस वक्त मेरे पास वो एम्प्लॉयर्स हैं जो आपको ऑफर लेटर दे सकते चार्जेस हैं। की बात की जाए तो इट्स अराउंड $700, जो कि लगभग 36,700-800 रुपीज़ के बराबर होता है। प्रोसेसिंग टाइम कुछ दिनों का ही हो सकता है क्योंकि ये प्रायोरिटी बेस पे होता है, तो ये एज सुन एज। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूपिंदर सिंह और आज मैं आपके सामने इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आप न्यूजीलैंड में ऑलरेडी हैं टूरिस्ट वीज़ा पे, या फिर आप न्यूजीलैंड जाने की तैयारी कर रहे हैं टूरिस्ट वीज़ा पे, तो आप किस तरह से इस वीज़ा पे लीगली काम कर सकते हैं, लीगली आप वर्क वीज़ा ले सकते हैं। तो आपको आज मैं इसकी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। हर कंट्री आपको राइट देती है कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा पे हैं तो आप उस कंट्री में काम कर सकते हैं, और उस वीज़ा का नाम होता है WHV, वर्किंग हॉलीडे वीज़ा। मतलब आप हॉलीडेज़ में हैं, हॉलीडेज़ में आप रहकर आप काम भी कर सकते हैं। और न्यूजीलैंड में भी इसी तरह का वीज़ा है जिसका नाम है SSE, मतलब सप्लीमेंट्री सीजनल एम्प्लॉयमेंट वर्क वीज़ा। तो आपको मैं आज इस वीज़ा के बारे में बता रहा हूँ, हालांकि मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ इस वीज़ा के बारे में, और किसी ने भी इसकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी होगी। ये मैंने उस वक्त जब वीडियो बनाई थी तब मैंने कंफर्म किया था, लेकिन ज़्यादा वीडियो लोगों ने देखी नहीं। अभी इसी वीज़ा से रिलेटेड जब मुझे एम्प्लॉयर ने इन्फॉर्म किया, न्यूजीलैंड के एम्प्लॉयर ने, कि वो एक्रेडिटेड हैं, वो आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आप न्यूजीलैंड में हैं या फिर आप न्यूजीलैंड आ रहे हैं, तो इसीलिए मैं ये वीडियो दोबारा बना रहा हूँ। तो दोस्तों, ये सप्लीमेंट्री सीजनल एम्प्लॉयमेंट वर्क वीज़ा होता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो लेंथ ऑफ स्टे है दैट इज 6 मंथ्स। इसमें एज जो है आपकी 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और इसमें कोई कोटा नहीं है। जब भी सीजन आएगा तो उसमें कोटा होता है, तो आपको अगर वहाँ पे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो कॉस्ट है दैट इज न्यूजीलैंड 700, इसकी $700 न्यूजीलैंड डॉलर्स कॉस्ट है। और इसको प्रोसेसिंग टाइम अगर बोलें तो वो एज सुन एज पॉसिबल होता है कि आप जब भी अप्लाई करेंगे उसके 2-3 दिन में या जितनी प्रायोरिटी में आपको वो वीज़ा दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप न्यूजीलैंड में टूरिस्ट वीज़ा पे हैं या आप न्यूजीलैंड में टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं, आप ये वाला वीज़ा अप्लाई करके वीज़ा ले सकते हैं, और जो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स होते हैं उनके पास आप जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं और आपको जॉब मिल सकती है। दोस्तों, इस वक्त मेरे पास वो एम्प्लॉयर्स हैं जो आपको ऑफर लेटर दे सकते हैं अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे हैं या जा रहे हैं, तो आप इस वीज़ा के थ्रू उनके पास काम कर सकते हैं लीगली। अगर इस वीज़ा की चार्जेस की बात की जाए तो इट्स अराउंड $700, जो कि लगभग 36,700-800 रुपीज़ के बराबर होता है। और इसके अलावा भी एक छोटी सी फीस होती है जो 1600 के करीब है, 1625। तो टोटल ये जो फीस है, जो चार्जेस हैं, वो 38,000 या 38,500 के लगभग पड़ जाती है। अगर आप प्रोसेसिंग टाइम के बारे में पूछेंगे तो ये प्रोसेसिंग टाइम कुछ दिनों का ही हो सकता है क्योंकि ये प्रायोरिटी बेस पे होता है, तो ये एज सुन एज पॉसिबल आपको मिलेगा। अगर आपने आज अप्लाई किया, हो सकता है वो कल आपको मिल जाए, नेक्स्ट वर्किंग डे, ये 2-3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप न्यूजीलैंड में, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर टूरिस्ट वीज़ा, यू कैन स्टिल कॉन्टेक्ट मी। और अगर आप चाह रहे हैं कि आप न्यूजीलैंड जाके काम करें और आपका प्रोफाइल अच्छा है, तो आप न्यूजीलैंड के लिए टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करके ये वाला वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आपको जॉब मिल सकती है। इस तरह की वीडियोस दोस्तों मैंने और भी बनाई हैं, मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से रिलेटेड आप चाहें तो वो देख सकते हैं। उसमें से आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जॉब से रिलेटेड आपको मिलेगी और आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं किसी भी सर्विस के लिए। और अगर आप दोस्तों ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, या फिर आपके पास फुल वर्किंग राइट्स हैं, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जॉब प्लेसमेंट के लिए। मेरे थोड़े से चार्जेस पे करके जो एडवांस होंगे, 100% गारंटी के साथ हम आपके लिए जॉब सर्च करेंगे और आपको जॉब प्लेस करा के देंगे। 3 सब्सक्राइबर्स की जॉब्स लगवाई हैं जिसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। तो आपको थोड़ी सी पेमेंट एडवांस में करनी पड़ेगी और उसके बाद आपके लिए 1 महीने के अंदर अंदर जॉब जो है 100% गारंटी से मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको एक अच्छा प्रोफेशनल CV कवर लेटर बनवाना है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।